नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से मिरर इफेक्ट का यूज कर सकते हैं फोटोशॉप में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है और यहां से कोई भी इमेज आपको यहां से इंपोर्ट कर लेनी है। मान लीजिए हमने ये इमेज इंपोर्ट कर ली और इस इमेज को इंपोर्ट करने के बाद हमें यहां पर कंट्रोल एन करना है और यहाँ पर आपको एक इमेज का साइज़ लेना है जो कि लगभग स्क्वायरली होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 1200, इसकी विथ ले लेते हैं और हाइट ले लेते हैं हम इसकी 800 और प्रेस कर दिया हमने एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद इस तरीके से आपको इमेज लेनी है और इस तरीके से आपको पेज लेना है। इसके बाद आपको सिलेक्शन टूल यूज़ करना है और इस इमेज को उठा करके इसके ऊपर ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ से इस इमेज को कट कर देना है। कट करने के बाद आपको शिफ्ट और ऑल्ट के साथ दबा के रखना है आपको और इसको छोटा करना है, इस इमेज को बिल्कुल छोटा कर लेना है और उसके सेंटर पॉइंट पर ला करके आपको उसको सेट कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद अब आपको कंट्रोल जे करना है, चार बार इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है। चार बार डुप्लीकेट कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल टी दबाना है। कंट्रोल टी दबाने से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन आ जाता है और उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को दबा के रखना है और इस वाले एरो को क्लिक करके रखना है और यहाँ पर इसको खींच कर फ्लिप करके ले आना है। इसी तरीके से इस वाले को भी खींच करके आप यहाँ पर इस तरीके से ला दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी लेयर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी दबाना है, कंट्रोल को दबा के रखना है और उसको खींच करके इस तरफ लाना है राइट साइड में और राइट साइड में इसके ऊपर वाले कॉर्नर को भी सेट कर दीजिए इस तरीके से और एंटर प्रेस कर दीजिए। सेम एज इट इज़ नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी दबाना है, कंट्रोल को दबा के रखना है और उसको खींच करके नीचे की तरफ लाना है और यहाँ पर इसके साथ मैच करके इसको एडजस्ट कर देना है बिल्कुल इस तरीके से। देन इसके बाद नीचे आना है आपको, फिर से लेयर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी दबाना है, कंट्रोल के साथ इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है, यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है बिल्कुल इस तरीके से और उठा करके इसको सेट कर दीजिए इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, आप बैकग्राउंड को यहाँ से हाइड कर देना है। एक जो लेयर हमने ली थी, एक एक्स्ट्रा जो हमारे पास बची है सेंटर पॉइंट में, उसको भी हमें हाइड कर देना है और इन सभी को कंट्रोल शिफ्ट ई दबा करके मर्ज कर देना है। हमारी ये सभी लेयर्स आपस में मर्ज हो गई हैं और अब अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है 1 2 3, जैसे आप दबाएंगे तो इसकी ऑपोसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी और यहाँ से आपको बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है और बीच में जो हमारा लेयर था उसको भी यहाँ से ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से मैजिक टूल सेलेक्ट करना है और उसके बाद लेयर 1 को सिलेक्ट करना है और इसके इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है और अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देना है डिलीट, ताकि इसका जो बैकग्राउंड था वो डिलीट हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी लेयर को सिलेक्ट करना है जो हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया था और इसकी लेयर को वापस से हाइड कर देना है, हमें लेयर 1 को हाइड कर देना है और उसके बाद बैकग्राउंड को भी हमें हाइड कर देना है या बैकग्राउंड को आप ओपन करके रख सकते हैं। अब आपको जाना है फिल्टर के ऊपर और फिल्टर में जाने के बाद यहाँ से आपको दिखाई देगा स्टेलाइज और यहाँ पर आपको नजर आएगा विंड। विंड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है ओके। ओके प्रेस करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल F एक बार और उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से उस वाली इमेज को ओपन कर लेना है इस तरीके से। इस इमेज को ओपन करने के बाद आपको लेयर को सिलेक्ट करके रखना है और उसके बाद आपको जाना है यहाँ से फिल्टर के अंदर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑयली पेंट और इस पर आप जैसे आप ऑयल पेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो इमेज थी वो एक पेंटिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।